हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है यहाँ पे 12th मैथमेटिक्स का जो है यहाँ पे फंक्शन एंड डोमेन रेंज देखने वाले हैं। इससे क्वेश्चंस फ्रेंड आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स का यहाँ पे डोमेन जो होगा वो हो जाएगा -1 से +1, ठीक है? एंड कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम ही होगा, ये ध्यान रखना है डोमेन। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा रियल नंबर -1 से +1। एंड y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का भी सेम होगा, तो ये ध्यान रखना है। एंड y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का रियल नंबर एंड y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का रियल नंबर, ये आपका डोमेन हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे हम देखेंगे रेंज, ठीक है? तो यहाँ पे रेंज आपका जो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो रेंज होगा वो हो जाएगा -π/2 से +π/2, ठीक है? एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का रेंज होगा 0 से π। एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का हो जाएगा यहाँ पे -π/2 से +π/2, एंड यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखते हैं हम, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा 0 से π/0 से π -π/2, एंड इसमें भी माइनस लगा हुआ, ठीक है? एंड यहाँ पे नेक्स्ट है आपका जो है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा -π/2 से +π/2, ठीक है? एंड y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का जो यहाँ पे रेंज होगा वो होगा 0 से π। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव 100% आने वाला है। सो इसको आप रीड आउट करके जरूर जाइए। सो थैंक यू।